20,000 रुपीज़ एट द मोमेंट नहीं है तो आप इलाज नहीं करा सकते हैं, आपको कहीं और सस्ते हॉस्पिटल में शायद जाना होगा। गुड मॉर्निंग, टाइम हो गया है योगा क्लास का। नहा धो के हो गए तैयार। आज मौसम एकदम साफ खुला हुआ। कोई शैतानी चप्पल पहन के तुम टेबल पे चढ़ गए? अभी तो काम चलेगा। अच्छा, कौन सा गाना देख रहे हैं आप? खाने में दाल चावल और परवल की सब्जी। तो आज मेरी वाइफ जा रही है ऑफिस बहुत दिनों बाद। कितने दिनों बाद जा रही हो? अब आज जा रही हैं थोड़ा सा काम के लिए। वैसे वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, बट कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको ऑफिस जा करके ही करा जा सकता है। तो भैया खाना पीना हो गया है, वाइफ जा रही है ऑफिस। अब हमारे पास तो कुछ काम है नहीं, हम लोग तो हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के। सोया जाए थोड़ी देर, क्योंकि अब दोपहर हो गई है, धूप हो गई है। और क्या कर रहे हो तुम? बुआ का फोन आ रहा है, फोन उठाओ। क्यों काट दिया? अब बुआ का फोन था। आद्वेक, आप गेम खेलने में लगे हुए हो। हाँ, दो इधर देखो बेटा, गेम नहीं खेलना, चलो सो जाते हैं। चलो सो जाते हैं। तो अभी कॉल आया अंकिता के जो चाचा जी हैं काकू, उनकी तबीयत जो है बिगड़ गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो एक बार उन्हीं के पास जा रहे हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। वापस आ गया हॉस्पिटल से। काकू को पेट में, उनके पैनक्रियाज में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो आ गया वापस, मुँह हाथ धो के चाहे कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। तो जिस हॉस्पिटल में काकू एडमिट हैं, काकू यानी चाचा, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल का यू हैव टू डिपॉजिट 20,000 रुपीज़ इन एडवांस, उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। जब आपका मेडिक्लेम या जो आपका इंश्योरेंस है वो जब पैसे वापस करेगा, तब वो जो पैसा उन्होंने आज लिया है एज एन सिक्योरिटी, वो तब आपको बाई चेक वापस कर देंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। कोई चीटिंग ना करे, कोई फ्रॉड ना करे, कोई इलाज करा के भाग ना जाए, बहुत अच्छी चीज़ है। पर ऐसे लोगों का क्या जो 20,000 रुपये एट द मोमेंट नहीं दे सकते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी कम हो चुकी है, डिडक्ट हो चुकी है, उसके बाद भी इस तरीके का रूल, इस तरीके का लॉ कुछ समझ नहीं आता। इस देश में बहुत सी ऐसी जनसंख्या, बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो कि गरीब तबके से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, इनके लिए 20,000 रुपये शायद पूरे महीने की इनकम होगी। उसको इस तरीके से एक बार में जमा करना शायद फिर उनके लिए या उस जनसंख्या के लिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं हैं। जो भी है, देख के थोड़ा सा सिस्टम अजीब लगा कि अगर आपके पॉकेट में 20,000 रुपीज़ एट द मोमेंट नहीं है तो आप इलाज नहीं करा सकते हैं, आपको कहीं और सस्ते हॉस्पिटल में शायद जाना होगा।
आई डोंट नो, शायद आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।